दोस्तों फरवरी महीने में कुछ ऐसे धमाकेदार स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं जो मार्केट में मौजूदा डिवाइसेस को रिप्लेस कर देगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शोमाली, स्वागत है आपका मिस चैनल के चैनल पर। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मिस चैनल के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए लगभग 1.5 साल से हम सब वेट कर रहे थे, पोको का अपकमिंग स्मार्टफोन पोको X2। जी हाँ, पोको X2 के नाम से इसे जाना जाएगा पोको F2 के बजाय। पोको X2 4 फरवरी 2020 को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, कंफर्म हो गया। और ये इंडिपेंडेंट होने के बाद पोको का पहला डिवाइस है। फोन को Redmi K30 का रीब्रांडेड वर्जन बताया गया है और टीजर इमेज से पता चला पोको X2 120Hz डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। स्मार्टफोन पावर्ड बाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट एंड रैम 8GB Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स। और रियर में 64 मेगापिक्सल सोनी IMX686 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे और प्राइस अप्रोक्स 25,000 टू 28,000 होगा। तो बस और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा डिटेल्स में पोको X2 फोन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मिस चंडीगढ़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी S20 सीरीज को 11 फरवरी को अनवील किया जाएगा। इस सीरीज में गैलेक्सी S20, गैलेक्सी S20 प्लस और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा लॉन्च होगा और उसके बाद ही इंडिया लॉन्च डेट रिवील होगा। गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ आने वाला है और फ्रंट में 40 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 5000 एमएएच का बैटरी मिलेगा। तो दोस्तों जब लॉन्च होगा मैं आपको जरूर से इसके बारे में शेयर कर दूंगी। और साथ ही सैमसंग का गैलेक्सी जेट फ्लिप का अनाउंसमेंट होगा जो एक फोल्डेबल फोन है। और इन्फिनिक्स की तरफ से 10,000 रुपए से कम में पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन आ रहा है और इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स S5 प्रो। ये अगले महीने यानी फरवरी में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। पॉपअप सेल्फी कैमरा मॉडल स्मार्टफोन के टॉप राइट कॉर्नर में हो सकता है और इसमें 32 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया। फोन को मीडियाटेक प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है। इसमें दो अलग कलर वेरिएंट्स मिलेंगे, ग्रीन एंड वायलेट। और प्राइस इन्फिनिक्स S5 प्रो का 10,000 रुपए से कम के प्राइस टैग के साथ आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो पर 50 लाइक्स का टारगेट है, अगर टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों IQ फरवरी महीना में इंडिया में अपना पहला 5G स्मार्टफोन अनवील करने जा रहे हैं। IQ 3 इंडिया में पहला फोन है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ आएगा और फोन 55W फर्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल इस फोन के लॉन्च होने तक का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि IQ की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगला है ओप्पो मिड फरवरी में इंडियन मार्केट में ओप्पो रेनो 3 प्रो लॉन्च करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रेनो 3 प्रो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें 44 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला एक डुअल पंच होल कैमरा होगा। फोन स्पोर्ट्स फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट। और रिपोर्ट के अनुसार रेनो 3 प्रो 5G कैपेबल स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के बजाय एक अलग चिपसेट फीचर दे सकते हैं। और साथ ही ओप्पो एक और डिवाइस भी लॉन्च कर सकते हैं जो मिड रेंज बजट सेगमेंट में शामिल होगा। और हाँ दोस्तों, ओप्पो फरवरी महीना में बार्सिलोना में होने वाला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 में ओप्पो फाइंड X2 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। और फाइंड X2 65W सुपर वूक फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ आ सकता है, तो इसके बारे में आगे और भी जानेंगे। नेक्स्ट, Realme C3 सीरीज बजट स्मार्टफोन्स को इंडियन मार्केट में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी अनवील करने वाले हैं और दो मॉडल्स की उम्मीद है, Realme C3 और C3S। Realme C3S में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर वर्टिकली अरेंज किया हुआ रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, साथ ही रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेंगे और एक्सपेक्टेड प्राइस 10,000 के अंदर ही होगा। और माधव सेठ जी ने बताया कि Realme बहुत जल्द स्नैपड्रैगन 720G मोबाइल प्लेटफॉर्म फीचर वे स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे और Realme X50 के 4G वर्जन को भी इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। आगे Motorola Razr फोल्डेबल फोन फरवरी महीना में लॉन्च होगा जो 6.2 इंचेस इंटरनल स्क्रीन एंड 7 इंचेस आउटर डिस्प्ले के साथ आएगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और एक्सपेक्टेड प्राइस 1 लाख।
तो देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स मिलता है। और दोस्तों, Xiaomi मल्टीपल डिवाइसेस लॉन्च कर सकते हैं, उनमें से Xiaomi Mi 10 और Mi 10 Pro स्मार्टफोन अगले महीने 11 फरवरी को लॉन्च किए जाने वाले हैं। स्मार्टफोन्स में 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर होगा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा Redmi के 30 फरवरी में लॉन्च होने के चांसेस हैं। और हाँ, Redmi Note 9 Pro फरवरी के एंड वीक में और मार्च के शुरुआत में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, ये था फैब फोन्स के लिस्ट फरवरी महीने का, और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए मिस चलिए चैन के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स भी करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं शुमाली मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।